द्वीप निवासी का अंत। हमारा डिनर बड़ा खुशनुमा रहा। जब वह चाहता तो होम्स बहुत अच्छी तरह बातचीत कर सकता था और उस रात उसका बातचीत का मन था। वह बड़ा खुश नजर आ रहा था। मैंने उसे कभी भी इतना चहकते नहीं देखा। उसने बारी बारी से कई विषयों पर बात छेड़ी, चमत्कार वाले नाटकों से लेकर मध्यकालीन मिट्टी के बर्तन बनाने की कला पर, स्ट्रैडिवेरियस वायलिनों से लेकर सीलोन, श्रीलंका में बौद्ध धर्म पर और भविष्य के लड़ाकू जलपोतों पर उसने चर्चा की मानो उसने इनमें से हर एक विषय पर विशेष जानकारी हासिल की हो। उसका यह खुशनुमा मूड पिछले दिनों के गहन डिप्रेशन से बिल्कुल अलग था। फुर्सत के वक्त एथिलनी जोन्स भी बड़ा मिलनसार साबित हुआ और बहुत खुश होकर डिनर में शामिल रहा। मैं यह सोचकर खुश था कि हम अपने काम को पूरा करने के बिल्कुल करीब आ पहुंचे हैं और होम्स की खुशी मुझे भी लग गई। डिनर के दौरान हम तीनों में से किसी ने भी उस काम का जिक्र नहीं किया जिसने हम तीनों को मिलाया था। जब टेबल साफ हो गई, होम्स ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और पोर्ट के 3 गिलास भर दिए। हमारी छोटी सी यात्रा की सफलता को सलाम और अब वक्त आ गया है कि हम चल पड़े। तुम्हारे पास पिस्तौल है वॉटसन? डेस्क में मेरी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर है। फिर अच्छा होगा कि तुम उसे ले चलो। हर तरह से तैयार रहना ही ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि कैब दरवाजे पर खड़ी है। मैंने उसे 6:30 बजे बुलाया था। 7 बजे के कुछ देर बाद हम वेस्टमिनिस्टर वार्फ पहुंचे और लॉन्च को इंतजार करते पाया। होम्स ने उसको पारखी नजर से देखा। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जिससे पता चल सके कि यह पुलिस की बोट है? हाँ, किनारे पर लगा यह हरा लैंप। तो फिर उसको उतार लो। यह छोटा सा बदलाव लाया गया। हम उस पर सवार हुए और रस्सियां हटा दी गई। जोन्स, होम्स और मैं पीछे की ओर बैठे। एक ने पतवार संभाली और एक इंजन पर बैठा और 2 हट्टे पुलिस वाले आगे की ओर बैठे। कहाँ चलना है, जोन्स ने पूछा। टावर तक। उनसे कहना कि जैकबसन यार्ड के सामने रुक जाए। हमारी लांच जाहिर था काफी तेज थी। भरी हुई नावों की लंबी कतारों से हम तीर की गति से गुजरे मानो वे नावें चल नहीं रही हों। जब हमने एक स्टीमर को पछाड़ कर पीछे छोड़ दिया तो होम संतोष से मुस्कराया। हम नदी पर किसी को भी पकड़ सकेंगे, वह बोला। हाँ, ऐसा तो नहीं है, पर बहुत कम लांचें हमें पछाड़ सकती हैं। हमें ऑरोरा को पकड़ना होगा और वह अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊंगा वॉटसन। तुम्हें याद होगा कि मैं इतनी सी बात पर कितना नाराज हो गया था। हाँ, तो मैंने एक रासायनिक प्रयोग में उलझकर अपने दिमाग को पूरा आराम दिया। हमारे एक राजनेता ने कहा है कि किसी और काम में उलझना ही सबसे अच्छा आराम होता है। ऐसा ही है। जब मैं हाइड्रोकार्बन घोलने में सफल हो गया जिसमें मैं मशगूल था, मैं वापस शालटों की समस्या पर आया और मैंने पूरे मामले पर विचार किया। मेरे खोजी लड़के नदी में ऊपर से नीचे गए पर कोई नतीजा नहीं निकला। लांच न कहीं रुकी हुई थी न वापस आई थी। उसमें छेद करके उसे डुबाया भी नहीं जा सकता था। हालांकि अगर सब ओर से असफलता मिली तो यही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। मैं जानता था कि स्मॉल नाम का यह आदमी कुछ हद तक चालाक है, पर मुझे नहीं लगता कि वह ऊंचे दर्जे की चालाकी कर पाएगा। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि वह कुछ वक्त से लंदन में रह रहा है, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि वह पौंडचेरी लॉज पर लगातार नजर रखे हुए था। वह पलभर में ही तो गायब नहीं हो सकता, उसे कुछ तो वक्त लगेगा ही, चाहे एक दिन ही क्यों न हो, कि जाने की तैयारी कर सके। मुझे तो यही संभावना नजर आ रही थी। यह थोड़ी कमजोर है, मैंने कहा। यह भी संभव है कि इस वारदात से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। यह जिस भी मांद में दुबका हुआ था वो जरूरत के समय के लिए बड़ी अनमोल रही होगी, इसलिए जब तक उसे पूरा विश्वास नहीं हो गया हो कि उसकी जरूरत नहीं रही, तब तक उसने उसे छोड़ा नहीं होगा। पर एक दूसरी बात दिमाग में आई है। जॉनथन स्मॉल ने सोचा होगा कि उसके सहयोगी की अलग दिखने वाली आकृति, भले ही उसे कोई भी भेष पहनाया गया हो, अफवाहों को हवा देगी और संभव है उसे नॉरवुड त्रासदी से जोड़ा जाए। इन सब बातों को वह चालाकी से समझता था। वे अपने रहने की जगह से अंधेरे की ओट में निकले और वे चाह रहे होंगे कि दिन चढ़ने से पहले वापस आ जाएं। अब मिसेज स्मिथ के हिसाब से जब उन्हें नाव मिली तब 3 बज चुके थे। काफी रोशनी फैल चुकी होगी और घंटे भर में लोगों की चहल पहल शुरू होने वाली होगी, इसलिए मैंने तर्क दिया कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उन्होंने खूब सारा पैसा देकर स्मिथ की जुबान बंद कर दी, भाग निकलने के लिए उसकी लांच रिजर्व की और खजाना लेकर अपने रहने की जगह पहुंचे। 2 रातों में जब उन्हें यह देखने का मौका मिला कि अखबारों का क्या रुख है और कहीं कोई शक तो नहीं है, तब वे अंधेरे का फायदा उठाकर ग्रेवसेंड या डाउन में किसी पानी के जहाज पकड़ेंगे, जहां उन्होंने जरूर अमरीका या किसी कॉलोनी की तरफ निकल जाने का इंतजाम कर रखा होगा। पर लांच को तो अपने ठहरने की जगह नहीं ले गए होंगे।
बिल्कुल, मैंने अंदाज लगाया कि दिखाई न देने पर भी लांच अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर मैंने अपने को स्मॉल की जगह रख कर देखा। उसने जरूर यही सोचा होगा कि लांच वापस भेजने या उसे किसी घाट पर खड़ा करने में खतरा है, क्योंकि अगर पुलिस उनको ढूंढने लगी तो लांच से उन तक पहुंचने में आसानी होगी। फिर वह लांच को कैसे छुपा सकता है कि जब चाहे उसे लांच मिल भी जाए। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। मैं एक ही तरीका सोच पा रहा था। मैं लांच किसी नाव बनाने वाले या मरम्मत करने वाले को सौंप सकता हूँ, उसको यह हिदायत देते हुए कि उसमें कुछ बदलाव ले आए, फिर लांच उसके यार्ड में रख दी जाएगी और इस तरह अच्छी तरह छुप जाएगी। इस तरह से कुछ घंटों की मोहलत में मुझे मिल भी जाएगी। यह तो बड़ा सरल लग रहा है, बस ये साधारण बातें ही तो नजरअंदाज हो जाती हैं। फिर भी मैंने इसी विचार पर अमल करने की ठानी। मैं तुरंत ही इस नाविक के भेष में चल पड़ा और नदी पर पड़ने वाले सभी घाटों में पूछताछ की। 15 में कोई सुराग हाथ नहीं लगा, पर 16वें में जैकबसन पर मुझे पता चला कि अरोरा उनको 2 दिन पहले लकड़ी के पैर वाले एक आदमी ने सौंपी थी। पतवार में कोई फेर बदल करने की छोटी सी बात कही थी। फोमैन ने कहा, पतवार में कोई खराबी नहीं है, वह वहां पर खड़ी है, लाल पट्टियों वाली। उसी समय मोर्डेकाई स्मिथ को छोड़ कौन आएगा, जो लांच का गुमशुदा मालिक था। वह बुरी तरह शराब के नशे में था। मैं उसे कहां पहचान पाता, पर उसी ने जोर जोर से अपना और अपनी लांच का नाम लिया। मुझे आज रात 8 बजे, यह चाहिए ठीक 8 बजे, क्योंकि 2 भद्र पुरुष इसका इंतजार करेंगे और उनको देर नहीं होनी चाहिए। जाहिर था कि उन्होंने इसे मोटी रकम दी हुई थी, क्योंकि उसके पास बहुत से पैसे थे और वह आदमियों में लुटाता फिर रहा था। मैंने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, पर वह एक मैखाने में घुस गया, इसलिए मैं वापस यार्ड गया और रास्ते में अपना ही एक लड़का मिल गया, इसलिए मैंने उसे लांच की निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। उसको पानी के किनारे खड़े रहना है और जब वे वहां से चले तो अपना रुमाल हिलाना है। हम वहीं पर उन लोगों का इंतजार करेंगे और हम जरूर उन लोगों को खजाने समेत गिरफ्तार कर लेंगे। तुमने सारी योजना बहुत बढ़िया ढंग से बनाई है, भले ही वे वास्तव में अपराधी हो या न हो, जोन्स ने कहा। अगर यह मामला मेरे हाथों में होता तो मैं जैकबसन यार्ड में पुलिस की एक टुकड़ी जरूर रखता और जब वे आते उन्हें गिरफ्तार कर लेता, जो कि कभी नहीं होता। यह स्मॉल नाम का आदमी बड़ा घुटा हुआ है। वह अपने आगे किसी को भेजेगा और कोई भी शक होने पर वह हफ्ते भर के लिए चुपचाप छिपा पड़ा रहेगा। पर तुम अगर मोर्डेकाई स्मिथ के साथ रहते तो उनके छिपने की जगह पहुंच जाते, मैंने कहा। उस हालत में मेरा दिन ही खराब हो जाता। इस बात की 100 में 1 संभावना है कि स्मिथ को जानकारी है कि वे कहाँ रह रहे हैं। जब तक उसको शराब और अच्छी आमदनी मिलती रहती है, वह सवाल क्यों पूछेगा। वे उसे संदेश पहुंचाते रहते हैं कि क्या करना है। नहीं, मैंने हर संभव तरीके पर विचार किया है और यही सबसे अच्छा है। जब यह बातचीत जारी थी, हम थेम्स पर स्थित पुलों की लंबी श्रृंखला पार कर रहे थे। जब हम शहर से गुजरे, सेंट पॉल के शिखर पर बने क्रॉस पर सूरज की आखिरी किरणें सोना बिखेर रही थी। हमारे टॉवर पर पहुंचने से पहले अंधेरा हो चुका था। वह रहा जैकबसन यार्ड, होम्स ने सरे की तरफ नावों के पालों की ओर इशारा करते हुए कहा। धीरे धीरे इन नावों की ओट में चलो। उसने जेब से रात का चश्मा निकाला और कुछ देर तक किनारे की ओर देखता रहा। मुझे अपना चौकीदार अपनी जगह पर खड़ा दिखाई दे रहा है, उसने कहा, पर रुमाल का अतापता नहीं है। अब तक हम उत्साहित थे, पुलिस वाले और बाकी दोनों भी, हालांकि उन्हें ज्यादा नहीं पता था कि क्या चल रहा है। हमें किसी भी बात को हल्का नहीं समझना है, होम्स ने जवाब दिया। हालांकि 10 में 1 उम्मीद यही है कि वे इस ओर आएंगे, पर हम निश्चिंत नहीं हो सकते। इस जगह से हमें यार्ड में प्रवेश दिखाई दे रहा है और वे हमें नहीं देख सकते। आज की रात एकदम साफ है और काफी रोशनी रहेगी। हमें यहीं पर रहना होगा जहां पर हम अभी हैं। देखो, गैस की रोशनी में कैसे वहां पर लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। वे लोग यार्ड में काम करके लौट रहे हैं। देखने में गंदे हैं, पर मेरे ख्याल से हर एक में कोई न कोई अच्छाई छिपी हुई है। उनको देखकर ऐसा नहीं लगेगा। आदमी भी अजीब होता है। कोई कहता है कि वह पशु में छिपी हुई आत्मा होती है, मैंने सुझाव दिया। विनवुड रीड इस विषय पर बहुत अच्छा है, होम्स ने कहा। वह टिप्पणी करता है कि हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अपने में अनबूझ पहेली है, औसत में देखा जाए तो वह गणित की तरह सुलझा हुआ होता है। उदाहरण के लिए, तुम यह कभी भी नहीं कह सकते कि कोई एक व्यक्ति क्या करेगा। व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं, पर प्रतिशत वही रहता है। गणितज्ञ यही कहता है। पर क्या मुझे रुमाल दिखाई पड़ रहा है? वहां पर वह सफेद रुमाल ही लहरा रहा है। हाँ, यह तुम्हारा वाला लड़का ही है, मैं चिल्लाया। मैं उसे साफ देख रहा हूँ। और वह रही अरोरा, होम्स ने कहा, और शैतान की तरह जा रही है।
इंजीनियर पूरी गति से नाव चलाओ, पीली बत्ती वाली उस नाव के पीछे लगो। भगवान की कसम मैं अपने को कभी माफ नहीं करूंगा अगर वह हमसे आगे निकल गई। वह अनदेखी सी यार्ड के प्रवेश से निकलकर दो तीन छोटी नावों के पीछे से होती हुई थोड़ी गति पकड़ चुकी थी। जब हमने उसे देखा अब वह पानी में तेजी से जा रही थी किनारे की ओर बहुत तेज रफ्तार से। जोन्स ने गंभीरता से उसे देखा और सिर हिलाया। यह बहुत तेज है, वह बोला। मुझे शक है कि हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। हमें उसको पकड़ना ही होगा, दांत भींचते हुए होम्स ने कहा। उसको पूरी तरह से ईंधन से भर पूरी कोशिश करो, चाहे हमें नाव जलानी ही क्यों न पड़ जाए, हमें उनको पकड़ना ही है। हम उसके काफी करीब तक पहुंच गए थे। भट्टियां आग उगल रही थी और ताकतवर इंजन घरघराता जा रहा था, मानो बड़ा सा धातु का दिल हो। उसका पैना संकरा अगला भाग नदी के शांत जल को काट रहा था और हमारे दाएं और बाएं पर दो बड़ी लहरें बन रही थी। इंजन की घरघराहट से हम बुरी तरह हिल उठते थे। नाव पर लटकी बड़ी सी पीली लालटेन हमारे सामने एक लंबी कपकपाती रोशनी की लकीर डाल रही थी। ठीक सामने एक गहरी आकृति से पता चल रहा था कि ऑरोरा कहाँ पर है और उसके पीछे उठ रहे पानी के झागों से पता चल रहा था कि वह कितनी रफ्तार में है। हम कई तरह के नावों को पछाड़ते हुए जा रहे थे, कभी एक के पीछे कभी दूसरी के आगे। अंधेरे में आवाजें हमें रोक रही थी, पर ऑरोरा आगे गरजती गई और हम उसके काफी पास पहुंचकर उसका पीछा कर रहे थे। और तेज इंजन कक्ष में झांकते हुए होम्स चिल्लाया, जबकि नीचे से आती तेज लपट की रोशनी उसके उत्तेजित चेहरे पर पड़ रही थी। जितनी भाप बना सकते हो बनाओ, मेरे ख्याल से हमारी रफ्तार बड़ी है, जास ने ऑरोरा पर नजर टिकाए हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है, मैंने कहा, कुछ ही मिनटों में हम उसके पास पहुंच जाएंगे। पर उसी वक्त हमारे और ऑरोरा के बीच सामान ढोने वाली तीन नावों का बेड़ा आ गया। हमने बड़ी कोशिश की, इसलिए टक्कर नहीं हुई और इससे पहले कि हम घूमकर आगे जाते ऑरोरा ने अच्छी खासी करीब 200 मीटर की दूरी बना ली थी। फिर भी वह साफ दिखाई दे रही थी और शाम का धुंधलका अब तारों वाली रात बन चुका था। हमारी भट्टियां जोरों से जल रही थी और हमारी नाजुक नाव इतनी ऊर्जा और गर्मी से चरमरा रही थी। हम पुल से गुजर चुके थे और वेस्ट इंडिया डॉक्स से होते हुए लंबी डेप्थफोर्ड रीच और आइल ऑफ डॉक्स से गुजरे। हमारे सामने जो अब तक काला धब्बा दिखाई पड़ रहा था अब साफ तौर पर ऑरोरा की आकृति ले चुका था। जोन्स ने हमारी सर्चलाइट उसकी तरफ की जिससे हम उस पर सवार लोगों को देख सके। एक आदमी पिछले हिस्से पर बैठा था, अपने पुराने घुटनों के बीच किसी काली चीज को दबाए हुए, जिस पर वह झुका हुआ था। उसके पास एक ढेर सा था जो शायद एक न्यूफाउंडलैंड कुत्ता था। लड़के ने नाव घुमाने के साधन को पकड़ रखा था और भट्टी की लाल दहक की रोशनी में मुझे स्मिथ नजर आया। वह शरीर के ऊपरी हिस्से तक निर्वस्त्र था और जल्दी जल्दी भट्टी में कोयले झोंक रहा था। पहले उनको शक रहा होगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, पर अब जब हम हर मोड़ और नुक्कड़ पर उनका पीछा कर रहे थे तो शक का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था। ग्रीनविच में हम उनके 300 कदम पीछे थे, ब्लैकवॉल पर 250 से ज्यादा नहीं। अपने करियर में मैंने कई तरह के प्राणी देखे हैं, पर कभी भी मुझे इतना बेकाबू रोमांच नहीं आया था जितना थेम्स में इस तरह इन लोगों का पीछा करते आ रहा था। धीरे धीरे हम उन तक पहुंच गए। रात के सन्नाटे में हमें उनकी मशीनों की घरघराहट सुनाई पड़ रही थी। पीछे बैठा आदमी अब भी डेक पर बैठा था और उसके हाथ ऐसे चल रहे थे मानो वह व्यस्त हो और बीच बीच में वह ऊपर देख लेता, मानो हमारे बीच की दूरी नाप रहा हो। हम पास आते गए और भी पास, जोन्स ने चिल्ला कर उन्हें रुकने के लिए कहा। हम उनके पीछे चार नावों की दूरी से ज्यादा नहीं थे और दोनों नावें तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। नदी की यह वह जगह थी जहां एक ओर बाकिंग लेवल था और दूसरी ओर प्लमशेड मार्शेस की उदासी। हमारे पुकारने पर पीछे बैठा आदमी डेक से कूदा और उसने अपनी दो मुठियां हमें दिखाई और तेज तीखी आवाज में हमें गालियां बकने लगा। वह ठीक ठाक डील डॉल वाला ताकतवर आदमी था और जब वह अपने पैर फैलाकर अपने को संतुलित कर रहा था, मैंने देखा कि जांघ के नीचे से दाईं तरफ उसका पैर नहीं लकड़ी का ठूंठ है। उसकी गुस्से भरी गालियों की आवाज पर डेक पर सिमट कर बैठी गठरी में हलचल हुई। वह एक छोटे से काले आदमी में तब्दील हो गई, इतना छोटा जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका सिर बहुत बड़ा और बेडॉल था और उस पर बुरी तरह उलझे बेतरतीब बालों का गुच्छा। होम्स ने पहले ही रिवॉल्वर निकाल ली थी और इस जंगली विद्रूप प्राणी को देखकर मैंने भी। वह एक तरह के गहरे रंग के कंबल में लिपटा था जिससे सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आ रहा था, पर वह चेहरा किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता था। कभी भी मैंने किसी चेहरे पर इतनी पाशविकता और क्रूरता नहीं देखी।
उसकी छोटी आंखें खूंखार रोशनी सी जल रही थी और उसके मोटे होंठ दांतों से पीछे मुड़े हुए थे, जो हमें देखकर बहशीपन से किटकिटा रहे थे। हाथ उठाए तो फायर कर देना, होम्स ने धीरे से कहा। अच्छा हुआ जो हमने उसे इतने करीब से देखा। हमारे देखते देखते उसने अपने कंबल के नीचे से लकड़ी का एक छोटा सा गोल सा टुकड़ा निकाला, जो देखने में स्कूली रूलर की तरह था, और अपने होंठों से चिपका लिया। हमारी पिस्तौल एक साथ गूंजी। वह तेजी से घूमा, हाथ उठाए और दमघोंट खांसी के साथ नदी में कूदा। मैंने उसकी जहरीली आंखों की एक झलक देखी सफेद पानी के बीच में। उसी पल लकड़ी के पैर वाले आदमी ने पतवार संभाली, जिससे नाव सीधे दक्षिणी किनारे की ओर चली, जबकि हम उससे कुछ ही दूरी पर थे। हम पलभर में ही उस तक पहुंच गए, पर वह तब तक किनारे जा लगी थी। वह सुनसान और जंगली इलाका था, जहां दूर तक फैले दलदल पर चांद चमक रहा था। बीच बीच में स्थिर पानी के गड्ढे थे और सड़ती हरियाली एक हल्की थपाक से लांच मिट्टी के किनारे जा लगी। उसका आगे का हिस्सा हवा में उछल गया और पीछा पानी से भर गया। भगोड़ा कूदा, पर उसका लकड़ी का ठूंट तुरंत ही पूरी तरह दलदल में फंस गया। उसने छूटने की बड़ी कोशिश की, पर बेकार रहा। वह आगे या पीछे एक भी कदम नहीं ले पा रहा था। वह गुस्से में चिल्लाया और दूसरी टांग से मिट्टी में लात मारने लगा, पर उसकी कोशिशों से उसकी लकड़ी की टांग दलदल में और भी गहरी धंसती गई। हमारी लांच जब वहां पहुंची, वह इतनी मजबूती से दलदल में फंसा हुआ था कि उसके कंधों के ऊपर रस्सी फेंक कर ही हम मछली की तरह उसे अपनी ओर खींच पाए। दोनों स्मिथ, बाप और बेटा, चुपचाप अपने लांच में बैठे रहे, पर हमारे बुलाने पर चुपचाप हमारी लांच में आ गए और ओराक को खींच कर हमने अपनी लांच से बांध लिया। डेक पर भारतीय कारीगरी का ठोस संदूक रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह वही संदूक था जिसमें शालटों का खजाना था। उसमें कोई चाबी नहीं थी, पर वह खासा भारी था, इसलिए हमने उसे उठाकर अपने छोटे से केबिन में रख लिया। वापस जाते हुए हमने अपनी सर्चलाइट हर दिशा में फेंकी, पर द्वीप निवासी का कोई चिन्ह नहीं मिला। थेम्स के तल की गहराइयों में कहीं तट के उस अजीब मेहमान की हड्डियां पड़ी होंगी। इधर देखो, होम्स ने लकड़ी की नक्काशी की ओर इशारा करते हुए कहा। हम अपनी पिस्तौल ज्यादा फुर्ती से नहीं निकाल पाए थे। वहां पर निस्संदेह जहां हम खड़े थे, ठीक उसके पीछे जहर बुझा हत्यारा तीर चिपका हुआ था, जिसके बारे में हमें इतनी अच्छी तरह मालूम था। उस क्षण हमारे बीच से गुजरा होगा जब हमने फायर किया। होम्स उसे देखकर मुस्कुराया और अपने सरल ढंग से कंधे उचकाए, पर मुझे कबूलना होगा कि उस रात जो भयावह मौत हमारे इतने करीब से गुजरी थी, उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया।